अधिकारी है। आप में से बहुत सारे लोग मेरा परिचय पूछेंगे, पर मैं कुछ भी बोलती हूँ उससे पहले हमेशा मेरे परिचय में ये बोलती हूँ कि नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कोठारी है और मैं RCM की बच्ची हूँ। नौकरी में टाइम बहुत देना पड़ रहा था। मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी, जैसे आज आज किसी के भी
पास में शिल्पा शेट्टी आके बैठ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। अब अनिल कपूर आपका हाथ पकड़ के बैठ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी नौकरी का फर्स्ट दिन मेरे को अनिल कपूर के घर पे भेज दिया गया था अकेले चाय पीने के लिए, इतनी अच्छी नौकरी करती थी। पर जैसे जैसे मैं सीनियर हो गई वैसे वैसे मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ा, मैं परेशान हो गई थी। उस समय मेरी बॉस ने मेरे को ये व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, ये जो व्हाट्सएप मैसेज है ये मेरी बॉस ने मेरे को उस समय भेजा था। ये बोला था कि जैसे जैसे आप अपनी नौकरी में सीनियर होते जाओगे वैसे वैसे आपको और टाइम देना पड़ेगा। मैं पहले ही रो रही थी, मेरे लिए मेरे खुद के लिए टाइम नहीं था, मैं मेरे पापा मम्मी से बात नहीं कर सकती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जिस नौकरी को मैंने मेरा सब कुछ दे दिया, और वो नौकरी मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या दूँ इसको। और उस दिन मुझे समझ में आया, सच्ची में ये सच्ची कहानी है, कि उस दिन मुझे समझ में आया कि शायद मेरे पापा जो करते हैं वो मेरे से तो अच्छा ही है। ये थी मेरी स्टोरी। मेरी नौकरी ने मुझे क्या नहीं दिया, मेरी नौकरी ने मुझे टाइम नहीं दिया, मेरी नौकरी ने मुझे सिक्योरिटी नहीं दी, मेरी नौकरी ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, और मेरी नौकरी ने मुझे स्किल नहीं दी। बट मेरे पापा को आरसीएम ने क्या दिया, मेरे पापा को आरसीएम ने दिया टाइम, वो सिक्योरिटी जिसकी मैं भूखी थी। मेरे पापा को वो रिस्पेक्ट दिया आप लोगों ने, आरसीएम ने वो रिस्पेक्ट दी और वो स्किल दी। सब कुछ दिया मेरे पापा को, जो भी मेरे पास नहीं था ना एक नौकरी में। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करूं तो शायद मैंने टाइम के बारे में आपको समझाई दिया है कि कैसे मेरी नौकरी में मेरे पास टाइम नहीं था, पर सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे बड़ा रीजन था कि क्यों मैंने नौकरी छोड़ी। मेरे को मेरे बॉस क्या हर बात पे एक बार प्रियंका चोपड़ा आई थी। प्रियंका चोपड़ा आप सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। जोश थोड़ा कम हो गया क्या? ये जाता है कुछ ऐसे, लड़ेंगे